हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो आज हमने करना है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्व फाइबर। नर्व फाइबर क्या है? नर्व फाइबर इज एक्सॉन पार्ट ऑफ न्यूरॉन। इसमें सबसे पहले आ जाता है क्या? रेस्टिंग नर्व फाइबर। फिर इसमें आ जाती है स्टेप डीपोलराइजेशन। रेस्टिंग नर्व फाइबर में क्या है? पोलराइजेशन। अभी हम करेंगे कैसे। और फिर थर्ड आ जाता है रिपोलराइजेशन। ये रेस्टिंग नर्व फाइबर, ये एक्टिव नर्व फाइबर, एंड दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स एक्टिव नर्व फाइबर इनटू अगेन रेस्टिंग नर्व फाइबर। सो डीपोलराइजेशन मींस एक्टिव नर्व फाइबर। अब यहां पे देखो, ये है रेस्टिंग नर्व फाइबर। इसमें मैं सिर्फ अभी तुम्हें दिखा रही हूं, अंदर नेगेटिव चार्ज है एक्सॉन के अंदर, एंड टुवर्ड्स आउटसाइड there is present positive charge. Potential difference यहाँ पे होता है -70 millivolts. Why minus? Because inside is negatively charged. उसके बाद then जब एक्शन पोटेंशियल आता है, कोई इंपल्स आई तो पूरे का पूरा नर्व फाइबर में डिपोलराइज होता है, ओनली अ पार्ट, दिस स्मॉल पार्ट यहां पे रिवर्सल हो गया। इसको हम रेस्टिंग नर्व फाइबर या हम इसको और क्या कह देते हैं, पोलराइज्ड नर्व फाइबर। दिस इज डीपोलराइज्ड बट नॉट द कंप्लीट फाइबर, ओनली अ पार्ट। Only a part is, you know, this is depolarized. और इसका जो हम कहेंगे potential difference is equal to, क्योंकि अंदर जो है वो positive charge है, इसलिए +45 mV. जो बाकी का है वो अभी भी पोलराइज ही है। आफ्टर वन मिली सेकेंड क्या हो रहा है?
current move कर रहा है. This is part A. ये let us say part B. हमेशा करंट जो है हम हाइपोथेटिकली क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो हियर द करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी इनसाइड एंड आउटसाइड. द करंट इट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए. इससे क्या हो रहा है, कि यहां पे जो ए पार्ट था और ये है बी पार्ट, ए पार्ट की क्या हो गई, रिपोलराइजेशन. और बी पार्ट क्या हो गया, दैट इज डीपोलराइज्ड. दिस ए पार्ट, बाकी सारा ओरिजिनल ही है. This is repolarized and this gets depolarized. And then what happens, that the current flows from B to C in the exoplasm and C to B outside exoplasm, right? इस तरह से करंट जो है वो फ्लो कर. Is it okay? अब मैं ये प्रोसेस बताऊंगी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना क्यों है. जब इम्पल्स आई तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज हुआ, दैट आई विल टेल यू द प्रोसेस. पहले ये बना रहा. अब हम इन स्टेप्स को सबको एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले है रेस्टिंग नर्व फाइबर. रेस्टिंग नर्व फाइबर में क्या है, किसी को ही हम अंदर क्या है, दिस इज एक्सोप्लाज्म और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अंदर क्या है, बहुत सारे पोटेशियम है, फ्यू सोडियम है तो सही, बट सोडियम बहुत थोड़ा है और बहुत सारे क्लोराइड आयंस. आउटसाइड देयर इज मोर ऑफ सोडियम. मैं NN लिख रही हूं. N मतलब सोडियम, आपने एन ए लिख लेना. और थोड़े से जो है वो पोटेशियम आयंस. एक मिनट, ये ठीक है ना, क्लोराइड आयंस नहीं, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स. आई एम सॉरी, नॉट क्लोराइड आयंस, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स.
ये सब आयन्स है, Na पॉजिटिव है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक्सोप्लाज्म हैज लॉट ऑफ पोटेशियम आयन्स, फ्यू सोडियम आयन्स एंड हैज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ECF पूरा लिखना है आपने, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज, लॉट ऑफ सोडियम आयन्स एंड फ्यू पोटेशियम। ये था पहला। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट जो एक्सोलेमा है, ये जो मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा एक्सोलेमा इज मोर permeable to potassium ions and nearly, puri to nahi, nearly impermeable to sodium ions. Therefore, potassium ions moves along concentration gradient. Concentration gradient का move करना है तो high to low, अंदर बहुत ज्यादा potassium है, बाहर कम है, इसलिए अंदर से बाहर move along, that is from exoplasm to extracellular. इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एक्सोप्लाज्म and accumulation of positive ions in ECF. बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज कम रह गया, इससे क्या हुआ, this creates पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस में डिफरेंस आ गया, बाहर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अंदर कम पॉजिटिव, दैट इज लेस पॉजिटिव इन एक्सोप्लाज्म। लेस पॉजिटिव का क्या मतलब है, दैट इज नेगेटिव, हम लेस पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव बात करते हैं, and more positive in ECF, okay, and potential difference is equal to minus 70 millivolt minus sign designates charge inside the nerve fiber.
नर्व फाइबर में जो चार्ज होगा उसके अंदर उसी का साइन हम डेसिग्नेट करते हैं। ये है नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, अंदर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव, और बाहर हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। राइट, सो ये बना। जब -70 मिलीवोल्ट्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचा, अंदर अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल, इसलिए वो बाहर जा ही जा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर गया। एक्सोलेमा जो है, ये जो मेम्ब्रेन है, इट इज स्टेबल एट -70 मिलीवोल्ट्स, बट स्टार्ट्स बिकमिंग अनस्टेबल एट -90 मिलीवोल्ट्स। तो इस कारण जैसे ही इसकी अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जो भी होता है वो शुरू होती है, तो क्या खुल जाता है, ओपनिंग ऑफ एक्टिव सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, बाय यूजिंग एटीपी एंड कैरियर्स, दिस पंप moves free sodium outside in ECF and to potassium inside in exoplasm against concentration region. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा था, जब पोटेशियम बाहर जा ही जा रहा था। अब उसने पोटेशियम को अंदर धक्का देना शुरू कर दिया, राइट, कि भी चल अंदर चल, बहुत हो गया, ठीक है। तो दिस पुशेस, यू नो, जिसकी वजह से दिस मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस टू -70। सो डिफ्यूजन भी चल रही है आयंस की और साथ में एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बाहर सोडियम बहुत है फिर भी अंदर से बाहर सोडियम भेज रहा है, और बाहर पोटेशियम बहुत है तो बाहर से अंदर पोटेशियम भेज रहा है। तो कितने, 3 सोडियम बाहर जाते, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा सोडियम बाहर जाए जाए, ठीक है, पर पोटेशियम कॉन्टिन्यूसली अंदर आ रहे हैं, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस -70। डिफ्यूजन तो हो ही रही है जो नॉर्मल प्रोसेस है, बट इसके साथ एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड एट -70 मिलीवोल्ट्स। राइट, करो पहले नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बेटा, डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इज डीपोलराइजेशन। इसमें क्या है, अराइवल ऑफ नर्व इंपल्स इन ए पार्ट ऑफ नर्व फाइबर। हमने डिवाइड किया ही था, मैं दोबारा से अभी डायग्राम बनाऊंगी तो पता चल जाए। इससे क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल्स, आयन चैनल्स है इन एक्सोलेमा
of part A. But important kya hai yahan pe? Sodium channels are quick to open. And thus open immediately. Therefore, lot of sodium. कहाँ पे sodium ज्यादा है? बाहर ज्यादा है. ECF में ज्यादा है. Lot of sodium moves from ECF to exoplasm. But potassium channels are very slow to open and thus do not function immediately. इसलिए पोटेशियम का कोई रोल नहीं. सोडियम बहुत सारा क्या हुआ है? अंदर आ गया है. जिससे क्या हुआ? द पोटेंशियल, हम क्या कहेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ मोर positive charge inside the nerve fiber then outside in part A. अगले मैं बता रही हूँ A part. Potential difference in A is reversed. And is plus 45 millimeters. And क्या कहेंगे? Changes from पहले क्या हुआ -70 to 0 to plus 45 मिलीमीटर ऐसे चेंज है. ठीक है. इन अबाउट 1 मिलीसेकंड. Therefore, हम क्या कहेंगे? Depolarization और action potential in nerve fiber is due to sodium channels या sodium ions. Which ions are responsible for depolarization? It is sodium ion. Polarization, potassium. Right? Next, second point. After 1 millisecond. Sodium channels gets closed in part A. Potassium channels are now
fully open. Potassium channels are puri tarah khul gayi. Ab kya hai? Potassium moves from inside to outside of nerve fiber. Accumulation of positive charge in ECF, extracellular fluid. Potential difference changes from +45 to 0 to -70 millivolts. At this stage, part A is said to be repolarized. ये मेरी बात समझ आई कि नहीं? Is everybody clear about this? जल्दी से एक बात मुझे बताओ कि क्या ये चीज clear हो गई सबको? मैम लास्ट पार्ट रिपीट कर दो. लास्ट पार्ट ये है बच्चे कि एक मिलीसेकंड जो सोडियम चैनल्स खुली थी वो बंद हो जाएंगी फटाफट. जितनी जल्दी खुलती है उतनी जल्दी बंद होती है. पोटेशियम चैनल्स खुलनी शुरू हो गई थी और 1 मिलीसेकंड के बाद पोटेशियम चैनल्स खुल जाती है. सोडियम चैनल्स कहाँ से कहाँ आयंस लेके जाती है? बाहर से अंदर. पोटेशियम चैनल्स कहाँ से लेके जाती है? अंदर से बाहर. ठीक है, अब सोडियम चैनल्स बंद हो गई तो बाहर से सोडियम अंदर आएगा नहीं. पोटेशियम चैनल्स खुलगी, अंदर से पोटेशियम बाहर जाएगा रह जाएगा. अब क्या हो गया कि अंदर क्या हो गया, अब नेगेटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होना शुरू हो गया क्योंकि पोटेशियम चैनल खुल गई है. फटाफट बाहर जाएगा रह जाएगा तो अंदर अब धीरे 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 नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा, नेगेटिव चार्ज लेस पॉजिटिव, और बाहर क्या हो रहा है? पॉजिटिव इकट्ठा हो रहा है. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? धीरे 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 नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है. एंड अल्टीमेटली पार्ट ए जो है फुली नेगेटिव हो जाएगा या फुली पोलराइज हो जाएगा विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अगेन -70 मिलीवोल्ट्स. इज इट ओके समरी? यस मैम. हरकुन मियां जोरावर समझ में आ गई? यस मैम. ओके ठीक है बेटा, लिख लो. तुम अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए. रीपोलर आफ्टर 0.1 सेकेंड, आफ्टर 0.1 सेकेंड व्हेन द सोडियम चैनल्स इन पार्ट ए, व्हेन द सोडियम चैनल्स इन पार्ट ए गेट्स क्लोज, कॉमा the impulse moves, the nerve impulse moves to part B. The nerve impulse moves to part B. Which get depolarized. Which get depolarized. ठीक है, ये क्या हो गया? दिस इज डीपोलराइज्ड. फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पॉइंट कीजिए. इन द नेक्स्ट 0.1 सेकेंड, या हम 0.1 सेकेंड की जगह कर लो 1 मिलीसेकेंड करो, जरा ऊपर भी चेंज कर दो 1 मिलीसेकेंड. आफ्टर 1 मिलीसेकेंड नेक्स्ट पॉइंट करके, आफ्टर 1 मिलीसेकेंड
part B starts repolarization. Part B starts repolarization. इसी में second point लिखिए. Part A is still undergoing. Part A is still undergoing repolarization. Because repolarization takes more time. Repolarization takes more time. Comma. Part C is still polarized. Part C is still polarized. Full stop. Next point, next line mein likh lena. Therefore, part B transfers impulse to part C and not to part A because only completely polarized part of nerve fiber can receive the impulse. जो completely polarized होगा -70 millivolts होगा ये B A को नहीं दे सकता क्योंकि इसका potential difference अभी -70 नहीं हुआ है ये अभी recovery stage में है but ये तो पहले से ही recovered है ये तो पहले से ही ठीक है इसलिए इसको करंट देता है नेक्स्ट लाइन में लिखना दिस शोज दैट नर्व इंपल्स मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली सी जो है फिर अगले को देगा ये इसे अगले को देगा पीछे नहीं जाएगा देयरफॉर movement of impulse in a nerve fiber is unidirectional. So yahan pe question kaise aa jaate hai dekho zara question aa jata hai ki resting potential kiske karan hai resting potential potassium ions ke karan action potential kiske karan hai when the exolemma becomes more permeable to sodium ion. Why the nerve impulse is unidirectional in a nerve fiber? Because the repolarization takes more time than depolarization. Therefore, the part, activated part, when starts repolarization, passes the impulse to the next adjacent region, rather than previous region. Therefore, movement is always unidirectional. Is it clear to everybody? Yes.